बड़ी खबर आपको बता दें, विक्रमादित्य सिंह का मंत्री पद से इस्तीफा। कुछ देर पहले उन्होंने इसका ऐलान कर दिया था, बीजेपी के साथ जा सकते हैं विक्रमादित्य। ये एक बड़ी खबर आ रही है। विक्रमादित्य ने कहा कि हाईकमान के पाले में गेंद है, सरकार रहे ना रहे हमें लेना देना नहीं, आवाज दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं। और हमारे साथ इस वक्त शिमला से जैनेन्द्र मौजूद हैं, उनके साथ कोई राजनीतिक मेहमान भी हैं। जैनेन्द्र जरा बात कीजिए उनसे। बिल्कुल, मेरे साथ अनिरुद्ध सिंह हैं, सुक्खू सरकार में मंत्री हैं। पहला सवाल ये कि आपके एक साथी ने, विक्रमादित्य ने सुबह इस्तीफा दिया, खबरें चल रही हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं, क्या आपका इस पर कहना है, क्या रिएक्शन? देखिए, आंकलन लगाना तो गलत है कि वो किसके संपर्क में है, और जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो उनके अपनी निजी कारण थे जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, बाकी पार्टी हाईकमांड ही फैसला लेगा। आखिर मुख्यमंत्री से इतने नाराज क्यों हैं आपके पार्टी के विधायक, 6 विधायकों ने तो क्रॉस वोटिंग कर दी, मंत्री भी नाराज हैं, ये नाराजगी क्यों है सुक्खू साहब से लोगों की? देखिए, जिन्होंने भाजपा को वोट डाली है, मैं समझता हूँ भाजपा का काम स्वार्थ लोभ प्रलोभन देना है, और शायद उसमें वो लोग आ गए। बाकी आपको पता है जो कांग्रेस का सफाई है, जितने भी MLAs बाकी हैं, तो जबकि बबलू जी हैं आपको पता है, वो बीमार होने के कारण जो है, बीमार होने के बावजूद लड़खड़ाते हुए, ड्रिप चढ़ी हुई थी, उसके बावजूद जो है वोट डालने हैं। तो कांग्रेस के सिपाही जो है बिल्कुल खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। बाकी विधायकों पर कार्रवाई की जाएगी, वो लोग वापस पंचकुला पहुंच गए हैं, आज जब बजट पारित हुआ विप के बावजूद वो लोग सदन में नहीं थे, क्या उन सबको निलंबित किया जाएगा, उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी, ऐसी कोई रणनीति बन रही है? देखिए, जो दूसरे विधायकों की बात है, 6 विधायकों की अगर हम बात करें तो उनके बारे में, क्योंकि विप जारी थी 29 तारीख तक, और पिछले कल भी 2 बजे के बाद वो हाजिर नहीं थे, और आज भी जिस टाइम बजट पास हुआ मैंडेटरी था उनका हाजिर होना, वो हाजिर नहीं थे। उसकी जो है सारी कार्रवाई स्पीकर साहब के पास ऑलरेडी दे, लोग चाहते कि उनकी सदस्यता रद्द हो। देखिए, चाहने ना चाहने से नहीं, एवरीथिंग विल बी हैपन एज पर एक्ट ऑफ लॉ। वो तो कानून अपना काम करेगा, आपका मन क्या कहता है? देखिए, मन कहने की जगह कानून जो है मन से ऊपर होता है। पर्यवेक्षक आ रहे हैं, ये बताइए, सवाल उठ रहा है क्या CM साहब सुरक्षित हैं, मुख्यमंत्री सुक्खू को बदले जाने की बात चल रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने खुद खंडन इस बात का किया है, जो मीडिया में 11 बजे खबरें शुरू हो गई थी कि सुखविंदर जी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और वो बदले जा रहे। पर्यवेक्षक जो है वो आ रहे हैं, हाईकमान ने ड्यूटीज लगाई हैं उदय साहब की और DK शिव कुमार साहब की लगाई है, तो वो आ रहे हैं। साहब का जो होगा देखेंगे, सरकार सुरक्षित है, सरकार भी सुरक्षित है और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी सुरक्षित। चलिए, अनिरुद्ध सिंह का अपना दावा है जैनेन्द्र, लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए इस खेमे की, तो ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है बीजेपी। हिमाचल संकट पर भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर है, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी का यह कहना है कि सरकार गिराने का इरादा नहीं है, कांग्रेस में 2 फाड़ का इंतजार है, विक्रमादित्य के साथ ही विधायकों पर नजर है। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब बीजेपी का मिशन 13 नंबर क्या है, जरा इसे भी आप समझिए। हिमाचल प्रदेश का एक एक आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस सरकार को कब खतरा, कम से कम 13 विधायक बगावत करें, 13 विधायक बागी हुए तो बीजेपी सरकार बना सकती है, बीजेपी के लिए तब मुफीद स्थिति होगी। फॉर्मूला क्या होगा उसे समझिए, कुल विधायक 68, कांग्रेस के बागी 13 हो गए, यानी 68 में 13 माइनस कर दें 55 कुल विधायक बचते हैं, और तब बहुमत के लिए 28 की संख्या जरूरी होगी, संख्या बल 28, और ऐसे में कांग्रेस के पास जो विधायक हैं 40 में 13 घटा दीजिए तो पहुंच जाता है मामला 27 तक, तब कांग्रेस की सरकार के लिए दिक्कत है, और बीजेपी के पास तब संख्या होगी 25+3 निर्दलीय, यानी 28 विधायक। नीरज, ये जो एक फॉर्मूला सामने आ रहा है, क्या इस तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है या वाकई में वेट एंड वॉच का ही मामला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साफ मानना है कि पहले वहां कांग्रेस की स्थिति साफ हो, यानी कांग्रेस में यदि विधायक टूटकर बाहर निकलते हैं तो पहले ये देखने की होगी कि कितने विधायक टूटकर निकलते हैं, कितने विधायक बाहर आते हैं, कितने लोगों का विरोध होता है, एक्चुअल संख्या कितनी बचती है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी ये देखना चाहती कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती कि जैसा कि सचिन पायलट के दौरान राजस्थान में हुआ, राजस्थान में भी 19 विधायक निकले कांग्रेस के,
करीब एक महीने से ज्यादा का समय वो गुड़गांव में रुके रहे एक रिसोर्ट में, लेकिन बाद में फिर वही स्थिति हो गई, कांग्रेस फिर से एक हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पहले स्थिति क्लियर हो। क्या इतने विधायक निकलते हैं जिनसे कि नई सरकार का गठन हो सके? अगर ऐसी स्थिति में आती तो भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लोर करेगी, लेकिन मैंने पहले ही जैसे कहा कि मेरी भाजपा के टॉप सोर्सेस से बात हुई है और भाजपा फिलहाल पूरी स्थिति का आकलन कर रही है और वो स्थिति देखना चाहती है कि कांग्रेस ने क्या हो रहा है, यानी कांग्रेस के जो लोग बगावत कर रहे हैं या कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ जो लोग जाकर सुक्खू को सीएम पद से हटाने की बात कर रहे हैं, उनके पास संख्या बल क्या है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।